अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके से अपहृत ट्रांसपोर्टर के 15 वर्षीय बेटे को आज दिल्ली से पुलिस ने बरामद कर लिया। उसके पास से करीब 10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। NCH होम ने मेरठ पुलिस को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अपहरण की पटकथा जिस तरह से लिखी गई थी उसे देखकर शुरू से ही अंदाजा लग रहा था कि इसमें आपसे मिलीभगत निकलकर सामने आएगी। दरअसल जिस कागज के फटे हुए टुकड़े पर 50 लाख रुपए मांगे गए थे उसकी कॉपी भी घर से ही पुलिस ने बरामद कर ली थी। इसके अलावा प्रारंभिक जांच में आसपास के CCTV फुटेज में भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिसे देखकर लगे कि किशोर का जबरन अपहरण किया गया है। शास्त्री नगर सेक्टर 12 में ट्रांसपोर्टर आसिफ का परिवार रहता है। आसिफ अपनी पत्नी अनम व 3 वर्षीय बेटी इनियाना को लेकर अपने पैतृक गांव राधना किठौर के लिए सोमवार सुबह 10 बजे निकले थे। घर पर उनका बेटा 15 वर्षीय आरिफ व 12 वर्षीय बेटी आयशा थी। ये दोनों बच्चे आसिफ की पहली पत्नी से हैं। दोपहर करीब 2:30 बजे आयशा घर की छत पर खेल रही थी तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में आरिफ को जिंदा देखने के बदले 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। वह नीचे आई तो बरामदे में कागज का एक टुकड़ा पड़ा था जिस पर 50 लाख रुपए की बात कही गई थी। आरिफ राधा गोविंद का छात्र है। आज SSP ने इस घटना का खुलासा किया। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं पुलिस कप्तान अजय साहनी। कल शाम को 112 नंबर पर एक कॉल की गई थी। वहाँ से मेरठ पुलिस को पता चला कि 15 साल का एक बच्चा आरिफ नाम का है जो कि मिसिंग है और उसके घर पे उसके सिस्टर के मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिसमें 50 खोखा डिमांड की गई थी और घर के बाहर एक कागज़ का टुकड़ा मिला था। उसमें भी लिखा था कि लड़का चाहिए तो 50 के दें। इसको देखते हुए त्वरित रूप से 5 टीमों का गठन किया गया और पूरे केस के अनावरण का प्रयास किया गया। इसमें आज बच्चे को कुछ समय पूर्व बरामद किया गया है और बच्चे के पास से करीब 9.5 लाख रुपए के आसपास लगभग रुपए भी बरामद हुए हैं। पूरा मामला ये निकल कर सामने आया कि ये लड़का जो है इसकी मदर स्टेप मदर हैं और घर से थोड़ा परेशान था। उसके बाद ये स्वयं ही पूरा कांड इसने रचा था और परेशान होकर इसने अपनी बहन के कागज़ पर ये चीज़ लिखी थी और मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भी इसने अपने फ़ोन से किया था। उसके बाद उसने नंबर अपना चेंज कर लिया था। लड़के को बरामद किया गया है और इसके पास से पैसे सारे बरामद हुए हैं, 9,31,000 रुपए हैं और जो भी विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित की जा रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इसकी सूचना दे दी गई है और संबंधित जो न्यायालय हैं उनके सामने लड़के को प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही लड़के के जो पिता है लड़के के पिता को भी यहाँ बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ सारी बातों की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस का खुलासा हुआ है इसमें पुलिस के साथ साथ मेरठ के STF की यूनिट की टीम भी साथ लगी हुई थी। दोनों टीमों ने मिलकर 16 घंटे के भीतर इस पूरे घटना का अनावरण किया है। अपर मुख्य सचिव गृह महोदय के द्वारा मेरठ पुलिस और लगी टीमों को सभी 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। बाकी जो अग्रिम विधि कार्रवाई इसमें होगी वो सुनिश्चित की जा रही है।